नमस्कार दोस्तों, सुल्तानपुर टुडे में आपका वापस से स्वागत है। हमारे साथ में जो बैठे हैं, इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। जितने भी चैनल हैं, आप चाहे उठाकर OTT जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, चाहे फेसबुक है, इंस्टा है, यूट्यूब है, या और भी जितने प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ पे आरिफ भाई छाए हुए हैं। स्वागत है आपका जी दोबारा से। शुक्रिया, सबसे पहले क्या तिबारा आप आए तिबारा आए हैं राइट। तो कुछ पर्सनल थोड़ा सा आपसे, मतलब एक्सपीरियंस जो रहा है पिछले 15 दिनों का। जी जी, जब मेरी पहली आपसे मुलाकात हुई थी, अगर आपको जी, ध्यान हो जी, याद है बिल्कुल। और किस तरीके से हम लोग मिले, फिर फाइनली जो है एक इंटरव्यू हुआ छोटा जी, सा जी, जिसके बाद आप स्टार बन गए एक तरह से देखा जाए। स्टार वाकई हैं, क्योंकि आप सभी फोन पे कोई भी स्कोर, आप यूट्यूब खोलिए, कुछ भी खोलिए, तो मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं। मुझे लगता है अगर टोटल अगर कलेक्ट किया जाए सारे, तो 100 मिलियन, आई थिंक 200 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो गए आराम से इतने, क्योंकि आपके अपने चैनल पे 100 मिलियन के आसपास हो गया होगा जी आराम से। तो क्या क्या बदलाव हुआ है, पहले से कुछ बदलाव हुआ है रूटीन में, और थोड़ा सा आपके जो प्लेटफॉर्म है OTT प्लेटफॉर्म, चाहे इंस्टा है या फेसबुक है। जैसे इंस्टाग्राम पे पहले 3,000 फॉलोअर्स थे, अब 1,40,000 होने को आए। जब मैं आपसे मिला था उस टाइम 3,000 थे, 3,000 थे, अब 1,40,000 होने को आए हैं। यूट्यूब चैनल नहीं था मेरा पहले, राइट। अब चैनल भी हो गया है, 60,000 होने वाले हैं उस पर भी। थोड़ा सा तेज बोलिए, 60,000 होने वाले हैं उस पर भी, यूट्यूब पे भी। हाँ, तो ऐसे पहले से अब तक बहुत बदलाव आ चुका है आपके मिलने के बाद। तो मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि ना हम आपके बगल से बाइक लेके गुजरे होते, ना सारा सूढ़ा होता, ना आप वीडियो बनाए होते, ना हम वायरल होते। मैं सही बताऊँ तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मैंने एक एड्रेस पूछा था आरिफ भाई से, और जब इन्होंने कहा कि मुझे आप मेरे पीछे आ जाओ, आगे गाँव में है वो एड्रेस, वो जगह, तो जब मैं ये मेरे आगे आए, उसके बाद वो जो आरिफ भाई का मित्र है, आरिफ भाई का दोस्त सारस, वो मुझे मेरी गाड़ी को क्रॉस करते हुए आगे आया और नीचे आपके साथ साथ उड़ने लग गया। जी जी। मैंने उसे पीछे से शूट किया था, और इवन मैंने आरिफ भाई को भी नहीं बताया था मैं उसे शूट कर रहा हूँ। बाद में फिर हम लोग मिले और फिर इंटरव्यू हुआ, उस पर हमारी बात हुई, ड्रोन शॉट मैंने लिया। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से आप पर डे इंटरव्यू कर रहे हैं, कितने लोग लगभग पर डे मिल जाते हैं आपको? 20-25 इंटरव्यू करते हैं आज फिलहाल, तब से अब तक। हाँ, तब से अब तक 20-25 टोटल, यानी किया जाए तो लगभग 1,000 के आसपास हो रहा होगा। हाँ, हो गया 1,000 के आसपास, छोटे मोटे यूट्यूबर लेके सब 1,000 हो गए होंगे इंटरव्यू। टाइम लेकिन आप सबको दे रहे हैं? टाइम सबको दे रहे हैं, जितना हो सकता है टाइम देते हैं पूरे, मतलब जब से वायरल हुए हैं। 2 दिन ऐसा गुजरा है जब नहीं थे हम घर में, बस एक दिन लखनऊ चले गए थे, एक दिन फैजाबाद, बाकी तो कहीं गए ही नहीं, घर ही में, बाकी कंटिन्यू आप घर में। घर में कंटिन्यू। अच्छा, कुछ माफी जी, कुछ अफवाहें हैं सोशल मीडिया पर जी। पहली अफवाह तो ये है कि आपका सारस गुम हो गया था जी। जी, क्या लगता है, क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वो आपको पता है, आपने तो देखा भी है, खेतों में चला जाता है फिर वापस आ जाता है, तो वैसे ही खेतों में जाता है वापस आ जाता है। थोड़ा परेशान कर दिया था, मतलब है कि मतलब लोग फालतू में अफवाह उड़ाते हैं, फर्जी थंबनेल बना के छोटे मोटे यूट्यूबर, थोड़ा सा व्यूज TRP के चक्कर में थंबनेल बना देते हैं, सारस 2 करोड़ का बिक गया, कोई कहता है सारस भाग गया, कोई कहता है सारस ये हो गया, अब क्या होगा, इस तरह के व्यूज बढ़ाने के चक्कर में वो लोग ऐसा ना करें, एक पक्षी के साथ उसकी भावनाओं से ना खेलें ऐसे। जी जी, उन लोगों के लिए मैं देख सकता हूँ सारस ठीक मेरे पीछे है, और कहीं भी गया नहीं है सारस, आरिफ का दोस्त आरिफ के साथ में है। और अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से एक, जैसा कि यहाँ पे एकदम से अखिलेश यादव आए पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, क्या उस टाइम आपको कुछ पता था कि मतलब आने वाले हैं? या थोड़ी देर पहले हमको पता चला था कि भैया आने वाले हैं, तो मतलब गांव में इतने लोग ऐसे इकट्ठा हो जाते हैं, फिर आस पड़ोस की जो गाड़ियां देखते हैं लोग इकट्ठा हो जाते, काफ़ी ढेर सारे लोग हो गए थे, लगभग 500-600 करीब लोग हो गए थे उतनी सब। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे ये पर्सनल जब वो घर पर आए आपके, तो मतलब किस तरह से आपको फील हुआ, मतलब एक तरह से अच्छा लग रहा था, विश्वास नहीं हो रहा था कि अखिलेश यादव जी आ चुके हैं। मतलब कितना समय बिताया आपके साथ? लगभग 1 घंटे थे यहाँ पे, कुछ बातें की इसके ऊपर, पक्षी के ऊपर अच्छा काम किया, पक्षी के वो जो पक्षी से प्रेम करते हैं, प्रेम तो सभी करते हैं, बोले कि दिल तो सबके पास है, ऐसा कुछ बोले थे, पर पक्षियों से प्रेम आरिफ करते हैं ऐसा कुछ बोल रहे थे जी। जी, अच्छा आपको इन्वाइट भी किया क्या? हाँ, बुलाए हैं भैया कि लखनऊ आना तो मिलना। अच्छा, तो हम कहें चलिए ठीक है आएंगे। तो पिछले 15 दिनों से क्या लगता है, ऐसी कौन कौन सी पर्सनालिटी आपसे मिली जिसको लगा कि आप भी उनसे इम्प्रेस हुए, या फिर कुछ ऐसे पर्टिकुलर फील्ड के लोग आए जिसे लगता है कि जो है मतलब मिलने के बाद काफ़ी अच्छा लगा? आए थे वो तो अब बात हो ही चुकी। कौन? अखिलेश। हाँ ठीक है। और डॉक्टर असद रहमानी साहब आए थे, डॉक्टर असद रहमानी जी जी, जिनको जिनसे मिल के बहुत अच्छा लगा। सारस पे वो लगभग 6 साल से रिसर्च कर, हाँ डिस्कवरी पे वो आते हैं, और तरह तरह के प्लेटफॉर्म में जिस पे आते रहते हैं वो, तो उनसे मिल के अच्छा लगा। और ढेर सारे लोग हैं, नाम तो याद नहीं है हमको,
चलिए लास्ट में आप हमारी टीम को क्या कहना चाहेंगे? आपकी टीम को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप ही ना आते, वीडियो ना बनाते तो कहाँ वायरल होता, किसी को पता भी नहीं चलता, और हम दोनों सारस की और मेरी कहानी इसी गांव में सिमट के रह जाती। गांव में सिमट कर रह जाती जिस तरीके से आज पूरी दुनिया जान रही है। हाँ हाँ, उस आपकी वजह से जान रही है, क्योंकि शुरुआत आपने की है, उसके बाद बहुत ढेर सारे लोग आए यहाँ, सब लोगों ने वायरल किया, सबको धन्यवाद है, पर पहले आपने किया है तो बाद में सब लोग आए। ये तो मैं हर बात कोई भी इंटरव्यू पूछता पहले कहाँ से वायरल बता, सोए भाई हमारे सुल्तानपुर वाले हैं, उन्होंने वो किया है जो है तो वायरल हुआ है। अच्छा अच्छा ऐसे। और एक मेरी इंस्टाग्राम आईडी है जी, आरिफ गुजर के नाम से जी जी, उसको भी जो लोग फॉलो करना चाहें कर लें। उस पे सारस के वीडियो डालते रहते हैं, कौन आ रहा, उस पर डेली रूटीन भी डालते रहते हैं आप, और उसके अलावा जो भी खा रहा है, क्या पी रहा है, किस तरीके कौन इंटरव्यू लेने आ रहा है, सारस क्या खा रहा है, सब उस पे रहता है। यूट्यूब का चैनल है सारस आरिफ गुजर सारस का दोस्त नाम से, आपका ऑफिशियल है, ऑफिशियल है, यानी आरिफ गुजर सारस का दोस्त, वो ऑफिशियल आपका चैनल है, जिसके ऊपर जाकर वहाँ भी देखा जा सकता है, आपको वहाँ फॉलो कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा, कुछ पहले से और अब में कुछ आपके दोस्त में कुछ बदलाव हुआ है, मतलब एक तरह से उसके डेली रूटीन में, या फिर जो डेली रूटीन में कोई बदलाव नहीं हुआ ना, हम उसको कोई बहुत अच्छा खाना खिलाने लगे हैं, जो पहले हम खिलाते तो वही खिला रहे हैं, क्योंकि वो पच्ची है, मान लो उसको हम काजू बादाम खिलाने लगे वो बीमार पड़ जाए तो वो तो बता नहीं पाएगा मैं बीमार हूँ, इसलिए जो पहले खाता था वही आज भी खाता है। जैसे साथ दोनों लोग खा लेते थे थोड़ा बड़ा, फिर गेहूँ वहूँ खा लेता था, चावल रोटी, वैसे आज भी खाता है, खेतों में चला जाता है, आलू वालू खा के आ जाता है, और जहाँ जाता है घर पता नहीं क्या क्या खाता है वो, तो पहले से मतलब जिस तरह से पहले उसको छोड़ देते थे आप चला जाता था, उसी तरीके से आज भी, हाँ आज भी वैसे छोड़ा जा रहा है, आज़ाद है, वैसे जाता है, पर जो है जैसे कहीं जाता है दूर खेतों में थोड़ा देख रेख करना पड़ता है, क्योंकि अब वो वायरल हो चुका है तो एहतियात बतन थोड़ा जरूरी थोड़ा है, जरूरी है आज के माहौल में थोड़ा सा। चलो बाकी जो अगर सीधे तौर पे अगर मैं बात करूं जी, तो अब तक तब से और अब में आप वीडियो एक तरह से देख सकते हैं वायरल भी हुआ, आप सोशल मीडिया पे स्टार बने, बहुत सारे लोग आए गए जी, लेकिन सारस का जो अपना शेड्यूल है उसमें आपने किस तरीके से डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं किया? नहीं, कोई भी जरा सा भी नहीं किया, जैसे वो पहले था, जैसे रहता था आता था जाता था, वैसे सेम अभी भी है, आज आ रहा है, आज वैसे वैसे ही आजादी पूरी बनी हुई है। ये नहीं कि कोई आने वाला है तो उसको हम पकड़ के रखें, ऐसा नहीं, चाहे जो आए, अगर वो अपने मन से है तो है, अगर खेत में चला गया तो खेत में चला गया, ये नहीं कि कोई स्पेशल आ रहा है उसके लिए हम इसको देखे रहे, कहीं जाने न पाए, 10 बजे आएंगे, 12 बजे आएंगे, ऐसा कुछ नहीं, मतलब इत्तेफाक अगर कोई आ रहा है तो देख ले, बहुत सारे ढेर सारे लोग हैं, नहीं देखने को मिला, खेत में जाके देख कर आए, कभी इस खेत में, कभी उस खेत में, कभी रोड पे, तो देख लेते हैं जाके, बाकी हम ये नहीं रखते कि कोई स्पेशल आ रहा तो उसके लिए हम इसको बंद करके या पकड़ के रखें, जाने ना पाए वो 12 बजे आएंगे, जी जी ऐसा कुछ नहीं। हाल फिलहाल में आप जो है सुल्तानपुर गए थे जी, और जी। इवन जो है वहाँ पे आपके लिए किसी ने गाना गाया, उसके लिए क्या कहेंगे? मकसूद भाई जी, मकसूद भाई के तहे दिल से शुक्रिया अदा करें, बहुत ही प्यारा गाते हैं मकसूद भाई, उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा हमको, सुल्तानपुर जब भी आएंगे मकसूद भाई से मिलेंगे उनसे हम, बहुत ही अच्छा गाए, 2-3 गाने उन्होंने गाए, कुछ गाने हमने रिकॉर्ड किए हैं, कुछ गाने नहीं रिकॉर्ड कर पाए, और मेरे दोस्तों ने किया जो हमारे साथ थे, तो उसको हमने अपने इंस्टाग्राम पर भी डाला है, तो कहीं ना कहीं देखा जाता है ये हमारे आरिफ भाई हैं जो सोशल मीडिया स्टार हैं, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनका अपना इंस्टा आईडी है आरिफ गुजर के नाम से जी जी, जो सारी एक्टिविटी सारस की, इनके दोस्त की क्या एक्टिविटी है, किस तरीके से आता खाना खाता है, उनके साथ आता जाता है, किस तरह से अपनी दोस्ती निभाता है, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इसके साथ ही यूट्यूब चैनल भी है आपका जी, आरिफ गुजर सारस का दोस्त, सारस का दोस्त नाम से आप उस पर भी जाकर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।